हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूरास फूडी रसोई। मैं हूँ मयूरा और आपका मेरे रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पनीर कोरमा। मार्केट से, ढाबे से या रेस्टोरेंट स्टाइल आपने पनीर कोरमा बहुत बार खाया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि घर पे बहुत आसानी से हम पनीर कोरमा बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, और बनने में बहुत ही कम समय लगता है और खाने में एकदम बढ़िया। जब आप एक बार इसे बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आइए बनाते हैं पनीर कोरमा की रेसिपी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम काजू गर्म पानी में भिगो के रखे हैं आधे घंटे के लिए। दो प्याज मैंने रफली चॉप किए हैं और दो टमाटर। मैंने एक कप पानी को उबाल ला लिया है और उसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज और टमाटर। अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये नरम हो जाए अच्छे से और इसका पेस्ट एकदम स्मूथ बने। ये देखिए, ये लग रहे हैं कि एकदम सॉफ्ट है, तो इसे पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पे पनीर लिया है 125 ग्राम, इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसे बाजू में रख लेते हैं और हम पीस लेते हैं हमारा मसाला का। ये ठंडा हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे सोख किए हुए काजू और इसे बारीक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून दही, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये पेस्ट रेडी है, इसे हम बाजू में रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करी है जिस पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून भर के बटर। बटर इसमें हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो करीब 2 से 3 टेबलस्पून बटर लग जाएगा। मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 चम्मच जीरा और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। भून लेते हैं इसे अच्छी तरह से, और ये अच्छे से भून चुका है। अब मैंने डाला है इसमें हमारा रेडी पेस्ट, इसे चला लेते हैं। अब इसे हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि इसमें का पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता। अच्छे से मसाला भून जाने तक हम इसे पकाएंगे। ये 1/2 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अब हम भून लेते हैं। ये 1 टीस्पून बटर मैंने डाल दिया है इसमें। ये ऊपर से डालने से इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पूरी रेसिपी में मैंने थोड़ा थोड़ा करके बटर यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारे मसाले में से पूरा पानी सूख गया है और ये अच्छा भून चुका है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 3/4 कप दूध। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे पकाएंगे जब तक इस ग्रेवी में से तेल ना निकले। ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। अब ग्रेवी में से तेल निकलने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे, हमने जो ग्रेटेड पनीर करके रखा है उसे हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा पनीर मैं बाजू में रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने रख दिया है बाजू में और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पनीर कोरमा के लिए। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी फ्लेम लो कर लेते हैं हम, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर, 1/2 टीस्पून के करीब होगा, और इसे कम फ्लेम के ऊपर ऑयल छूटने तक पका लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून,
और ये देखिए हमारी ग्रेवी में से बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है पनीर कौरमा खाने के लिए। और ये बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कौरमा। इसे हम गार्निश कर लेते हैं हमारे ग्रेटेड पनीर से और स्प्रिंकल करेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे फिनिश करेंगे छोटे से बटर के क्यूब से। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, खाने में एकदम बढ़िया और स्वादिष्ट और कम समय में ये तैयार। आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठा, पूरी, तंदूरी रोटी, चपाती, फुलका और जीरा राइस या प्लेन राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे ज़रूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स द्वारा मुझे अपने व्यूज ज़रूर बताएं। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट और बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों को भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए तब तक मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें मयूरास फूडी रसोई के साथ। धन्यवाद।